वाले दो कश्मीरियों की इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई झूठ जो रखा था पुलिस ने उसकी तुरंत शिनाख्त की। इसकी शिनाख्त जो है बदरंग फोन कर दूध जो रखा था दूध जो रखा था बेटू इधर खा समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। आखिरकार ये संस्कृति किसने सिखाई ना गया तो बड़का बड़का तोड़ देने की करी ना यही जनता पार्टी दोषी है। सत्ता से सुलझाने पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनाएगी। कल बेंच इस बात पर फैसला देगी कि यह विवाद मध्यस्थता से सुलझेगा या फिर नियमित सुनवाई होगी। हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड मध्यस्थता के जरिए सहमति जता चुके हैं। वहीं रामलला विराजमान की ओर से कहा गया है कि श्री राम की जन्मभूमि आस्था का विषय है और इसमें किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। विश्व हिंदू परिषद ने भी कल कहा था कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने आज आखिरी कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए। कैबिनेट ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए आरक्षण के पुराने 200 पॉइंट सिस्टम को बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी। इसका मतलब यह है कि अब आरक्षण के लिए यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को नहीं बल्कि एक यूनिट माना जाएगा। आज जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर उसके संबंध में कानून बनाया गया है कि यूनिवर्सिटी विल बी टेकन एज वन। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के 3 कॉरिडोर को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। लैंको की तीसरा हाइड्रो प्रोजेक्ट के अधिग्रहण, बंगाल ओडिशा के बीच तीसरी रेल लाइन के प्रस्ताव, दिल्ली मेट्रो फेज 4 के उनका आज मंत्रिपरिषद में इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया। आज हम सबसे पहले देश से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे गंभीर खबर का विश्लेषण करेंगे और ये आपको सावधान करने वाली खबर है क्योंकि खुफिया एजेंसियों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी अगले 3 से 4 दिनों के अंदर एक और बड़ा हमला करने की फिराक में है। इसलिए सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या पुलवामा पार्ट 2 होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी चोरी की गई एक टाटा सुमो कार के जरिए सुरक्षा बलों पर एक हमला और कर सकते हैं। आपको याद होगा पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के लिए भी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ने जिस कार में विस्फोटक भरकर ब्लास्ट किया था वो लाल रंग की एक मारुति इको कार थी। वो कार अचानक सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में आ गई थी और उस दौरान जवानों ने उस कार को वहां से हटाने की कोशिश भी की थी लेकिन आतंकवादी ने अपनी कार से सीआरपीएफ की बस को टक्कर मार दी और फिर धमाके में हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस बार जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी टाटा सुमो जैसी बड़ी गाड़ी से हमला करने की कोशिश में है क्योंकि उसमें ज्यादा विस्फोटक लोड किया जा सकता है और इससे